नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। लठिया भाटाखार माइनर नहर के पास एक अज्ञात पुरुष को मृत हालत में पड़े होने की सूचना पर थाना ने मर्ग क्रमांक 33/21 धारा 174 जौकी दर्ज कर मर्ग सदर की जांच करने पर उक्त मृतक जिसकी शिनाख्ती बलभद्र पिता स्वर्गीय अघोरी यादव उम्र 50 वर्ष बोरसरा थाना जांजगीर के रूप में हुई है। मौत अज्ञात आरोपी के द्वारा हत्याकारित कर साक्ष्य मिटाने हेतु उसके शव को जलाने का प्रयास करना पाए जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना में अपराध क्रमांक 129/21 धारा 302 201 भादवी दर्ज कर विवेचना की गई। प्रकरण के अज्ञात आरोपी के संबंध में पुलिस अधीक्षक को घटना के संबंध में अवगत कराया गया, जिनके द्वारा प्रकरण के जल्द निराकरण हेतु आरोपी की पता साझी करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुखबिर के खबर एवं कुछ संदेहियों से पूछताछ के आधार पर आरोपी रामलाल श्रीवास निवासी पौड़ी बाटा अकलतरा से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अन्य आरोपी गढ़ रतन यादव निवासी पौड़ी बाटा अकलतरा व कापन निवासी अशोक यादव एवं योगेश्वर पांडे को विरासत में लेकर तहकीकात करते पर एक साथ मिलकर एक राय होकर योजना बनाकर मृतक बलभद्र से रकम न मिलने पर घटना स्थल लठिया भाटाखार में बुलाकर उक्त आरोपीगढ़ द्वारा लाठी एवं एक बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। थाना अकलतरा में 18/5/2021 को यह सूचना मिली कि ग्राम लठिया भाटाखार में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। वहां पे जाके तस्दीक करने पर एक शव जो कि जड़ी हुई हालत में मिली थी, उसकी पहचान ग्राम बोरसरा निवासी बलभद्र यादव के रूप में हुआ। कुछ संदेहियों से पूछताछ करने पर पता चला कि मवेशी चोरी के पैसों के आपसी बंटवारे को लेकर आरोपीगढ़ रामलाल सुभाष पौड़ी भाटा, अशोक यादव अमली भाटा, योगेश्वर प्रसाद पांडे कापन और रतन यादव जो कि फरार है, ये चारों ने सुनियोजित तरीके से उसके सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या की और लाश छुपाने के लिए उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मार डाला। जबकि विवेचना उपरांत तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आरोपी की पतासाजी जारी है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।